हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर, महीने भर का करंट अफेयर हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और अब आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर महीने का करंट अफेयर। दोस्तों, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जितने भी लॉजिक होते हैं वो मैं आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो में बता देता हूँ। हाल फिलहाल में दोस्तों, अभी एमपी में कोई नौकरियां या जॉब्स के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, इसलिए दोस्तों अभी करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर दे रहे हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको पर डे का करंट अफेयर देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किसे आईजी प्लानिंग बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है योगेश चौधरी। हाल ही में योगेश चौधरी को मध्य प्रदेश में आईजी ऑफ प्लानिंग बनाया गया है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शहर में नगरीय विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है भोपाल। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसमें नगरीय विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 65वीं जिला स्तरीय इंटर स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता कहां आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है भोपाल। भोपाल में यह 65वीं जिला स्तरीय इंटर स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जोड़ी ने अंडर 14 युगल खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है पहल खराडकर और आयुषी रावल ने। इन दोनों ने हाल ही में अंडर 14 युगल खिताब जीता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का एमडी बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर पंकज जैन को। पंकज जैन को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का एमडी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भोपाल संभाग का अपर आयुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका सही ऑप्शन है हरीश सह मीणा। हाल ही में हरीश सह मीणा को भोपाल संभाग का अपर आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों, यहां पर हम आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताने थे, लेकिन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। इसलिए दोस्तों, यहां पर एक्यूरेट आंसर और क्वेश्चंस का ही सिर्फ वीडियो मैं आप तक लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितनी हाईटेक गौशालाएं बनाई जाएंगी? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 100 हाईटेक गौशालाएं। मध्य प्रदेश में 100 हाईटेक गौशालाएं बनाई जाएंगी और ये गौशालाएं बिड़ला ग्रुप की मदद से 18 महीने में बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश वासी को इंडियन बॉक्सिंग टीम में चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मंजू बम्बोरिया। हाल ही में मंजू बम्बोरिया को इंडियन बॉक्सिंग टीम में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 22वीं जिला स्तरीय कैरम प्रतियोगिता को जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है इरशाद अहमद ने। हाल ही में इरशाद अहमद ने 22वीं जिला स्तरीय कैरम प्रतियोगिता को जीता है। यह प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2019 में मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड दिए जाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन है 3 अवार्ड दिए जाएंगे। दोस्तों, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मध्य प्रदेश को 3 अवार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ओम रेखा सर्किट बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ओम रेखा सर्किट बनाया जाएगा। दोस्तों, यह सर्किट उज्जैन, इंदौर और ओमकारेश्वर को जोड़ा जाएगा। साथ ही दोस्तों, इसमें मांडू और महेश्वर जैसे शहरों को भी जोड़ा जाएगा और इस सर्किट का नाम होगा ओम रेखा सर्किट। उज्ज्वला योजना में किस जिले ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कनेक्शन दिए हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सागर ने। सागर जिले ने मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना में सबसे अधिक कनेक्शन दिए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, भारत में 5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिए जा चुके हैं, तो इन्हीं में से मध्य प्रदेश में सागर में सबसे ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे
पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अतुल हजेला को, अतुल हजेला को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हरीश पटेल को, हरीश पटेल को मध्य प्रदेश जैव राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों इन्होंने 14,500 सांपों की जान बचाई है और इन सांपों को इन्होंने जंगल में छोड़ दिया है। दोस्तों हरीश पटेल साजापुर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसका चयन एशियन एज ग्रुप गोताखोर स्पर्धा के लिए हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पलक शर्मा, हाल ही में पलक शर्मा का चयन एशियन एज ग्रुप ऑफ गोताखोर स्पर्धा के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है आरती खकाल ने, आरती खकाल ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये इंदौर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुशिक्षा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अनिल तिवारी, अनिल तिवारी को सुशिक्षा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें अनिल तिवारी सागर में समाज सेवी हैं और ये एक स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिविल सेवा जज परीक्षा में टॉप किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जसविता शुक्ला, जसविता शुक्ला ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा जज परीक्षा में टॉप किया है। दोस्तों सेकंड नंबर पर है रेखा चतुर्वेदी, थर्ड पर है रेखा द्विवेदी और फोर्थ स्थान पर है दोस्तों प्राची चौधरी। इन सभी को, इन सभी ने दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्थान पर। मध्य प्रदेश में पहली बार किस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के बीच पौधे और फाउंटेन बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इंदौर, इंदौर में स्टेशन पर पौधे और फाउंटेन लगाए गए हैं दो पटरियों के बीच में। दोस्तों हाल ही में कहां दधि महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ओरछा में, ओरछा में दधि महोत्सव मनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना है जिसका नाम है निवाड़ी और निवाड़ी में ही ओरछा अब पड़ता है। यानी कि दोस्तों इससे पहले टीकमगढ़ जिले में ओरछा आता था, इसके बाद अब हाल ही में यह निवाड़ी जिला बन चुका है। तो ओरछा जहां पर भगवान राम का मंदिर है और ये पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, तो ये अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को पॉलीथीन मुक्त करने अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है सागर को, सागर जिले को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रागिनी मार्को ने, रागिनी मार्को ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे स्वर्ण पत्रक सम्मान से नवाजा गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है शायर अशोक मिजाज को, शायर अशोक मिजाज को स्वर्ण पत्रक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एक्सप्रेस वे को मंजूरी प्राप्त हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है भोपाल इंदौर एक्सप्रेस वे को, हाल ही में भोपाल इंदौर एक्सप्रेस वे को मंजूरी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है विवेक कुमार जौहरी को, मध्य प्रदेश के विवेक कुमार जौहरी को BSF का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भोपाल में, भोपाल में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंत्री को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका सही ऑप्शन है गोविंद सिंह राजपूत, गोविंद सिंह राजपूत को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश शासन में परिवहन मंत्री हैं और ये सागर जिले से परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकविद सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राम सहाय पांडे और शिवरतन यादव। इन दोनों को हाल ही में लोकविद सम्मान से बिहार में सम्मानित किया गया है। दोस्तों बुंदेली लोक नृत्यकार हैं ये दोनों, और राम सहाय जो बुंदेली लोक नृत्यकार हैं और जो शिवरतन यादव हैं ये बुंदेली लोक गायक हैं। तो इन दोनों को हाल ही में लोकविद सम्मान से सम्मानित किया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मुरैना। बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। अब दोस्तों यहां पर जैसे मुरैना की बात आई है तो मुरैना के जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता सकता था, लेकिन दोस्तों ये अगर यहां पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप हमारी सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सीरीज डली है, वहां पर आप मुरैना के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला का नाम इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है लता टंडन। हाल ही में लता टंडन का नाम इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब इनका नाम ये दर्ज क्यों किया गया है, इसका रीजन है इन्होंने लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन में भाग लिया था और ये इन्होंने सबसे ज्यादा देर तक कुकिंग की थी, तो इसलिए इनका नाम इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, और ये दोस्तों रीवा जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अटल एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही ऑप्शन है लालजी टंडन। हाल ही में लालजी टंडन ने अटल एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन किया है। दोस्तों लालजी टंडन मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ये पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे लेकिन अब हाल ही में इन्हें मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास मिशन जो शहरी का शुभारंभ किया गया है वह किस जिले से किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है झाबुआ। मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी का शुभारंभ झाबुआ जिले से किया गया है। दोस्तों इसका शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री स्टेशन बनाया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों होशंगाबाद जिले की स्टेशन को। दोस्तों होशंगाबाद को पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिसेज मध्य प्रदेश बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है रोमा रघुवंशी रॉय। रोमा रघुवंशी रॉय मिसेज मध्य प्रदेश बनाई गई हैं और दोस्तों ये नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ओपन थिएटर बनाया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सागर जिले में। सागर शहर या जिले में ओपन थिएटर बनाया जा रहा है। भोपाल मेट्रो को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राजा भोज मेट्रो। जैसा कि आप जानते हैं राजा भोज जो भोपाल जिले की रियासत में रहते थे इन्हीं के नाम पर अब भोपाल मेट्रो का नाम रखा गया है और इसका नाम होगा राजा भोज मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 15वां। मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में। अब दोस्तों आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले स्थान पर है केरल, यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर है केरल। मध्य प्रदेश है 15वें स्थान पर और सबसे आखिरी स्थान पर जिसका नाम है वह है उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के अलावा ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस आर एस झा को किस हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। जस्टिस आर एस झा को
पंजाब और हरियाणा कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंडिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले में सेंट्रल इंडिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल बनाया जाएगा। और दोस्तों इस अस्पताल के लिए यानी इस हॉस्पिटल के लिए 1455 करोड़ रुपए की मंजूरी प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला अष्टकोणीय मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भोपाल। यहां पर ऑप्शन दिया नहीं है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है भोपाल में। भोपाल में प्रदेश का पहला अष्टकोणीय मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सितंबर महीने से रिलेटेड करंट अफेयर। दोस्तों आपको बता दें मैं कुछ ही दिनों में एक नई स्टैटिक जीके की सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा इंडिया और वर्ल्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे आपको बता दें दोस्तों, जैसे जो मध्य प्रदेश की वाटरफॉल है, तो मध्य प्रदेश की वाटरफॉल जिस जिस नदी पर हैं और जिस जिस जिले में है उनके बारे में बताया जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद जितने भी वाटरफॉल पूरे इंडिया में हैं, जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा और ये किस नदी पर स्थित हैं इस बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उसी वीडियो में कि जो वर्ल्ड के वाटरफॉल हैं, जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं, वो किस किस नदी पर स्थित हैं, किस देश में स्थित हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये एक स्टैटिक जीके की सीरीज में कुछ ही टाइम में लेकर आने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों और भी मेरे बहुत से वीडियो जीके के रहते हैं, जो डिफरेंट रहते हैं, जहां से आप अपना एक या दो नंबर फिक्स कर सकते हैं इनको पढ़ के, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इसके लिए भी एक सीरीज अलग से लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी यूनिवर्स चैनल हमारे चैनल का नाम है, तो आपको इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।